फिर हम लोगों को याद है पौधे मिले थे आई फूल तो यू वांट मी टू सिट और स्टैंड फ्रेम कितना है आप मुझे मतलब ये नीचे फ्रेम में है क्या पैर नहीं ना ठीक है हाँ गुड थैंक यू यो लुक समय यहाँ मैं लाइन मैं मैं लांस है ओके फाइन रोल 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 इट्स अ फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय सारेगामा अंडर देयर न्यू बैनर इज कॉल्ड यूडली फिल्म्स सो यूडली फिल्म्स जो है वो बहुत सारी फिल्मों के साथ आ रहे हैं और इनकी फिल्मों की जो खासियत है कि बहुत ही कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स हैं मोर देन एनी एक्टर एक्ट्रेस इनकी फिल्म में जो स्टोरी है वो इनका मेन फोर्टे आउट से और फिल्म जो है 22nd of September को रिलीज़ हो रही है इस इन तमिल इस इन मलयालम बाइलिंगुअल एंड इन तमिल इज कॉल्ड अभियम एंड अनुवम अदरवाइज वी कॉल इट अभी एंड अनु एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है मोस्टली इन लव स्टोरीज हम दिखाते हैं कि या तो एंड में प्यार मिल जाता है हैप्पी एंडिंग हो जाती है या सैड एंडिंग हो जाती है बट मेरी फिल्मों में शादी के बाद भी तो लोग जीते हैं उस एक लंबी ज़िंदगी होती है उसमें भी तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं कुछ भी हो सकता है तो मेरी फिल्म जो है वो उस चीज़ को टारगेट करती है और एक्चुअली इस बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी एक मतलब सत्य घटना पर आधारित है जो किसी के साथ हुआ था और दो लोग हैं एक दूसरे से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं सब कुछ ठीक चलता है शादी हो जाती है उनकी फिर ऐसा उनकी लाइफ में क्या होता है जो उन्होंने अपना इतना प्यार से जो दुनिया बसाई होती है वो सारी उनकी बर्बाद हो जाती है तो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट ओके टेल अस अबाउट टेल अस समथिंग अबाउट अनु अबाउट योर कैरेक्टर अनु का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा सा है एज अ कैरेक्टर बिकॉज आधी चीज़ें हैं अनु के अंदर जो मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है उस कैरेक्टर का जो है बिकॉज ऐसे तो आप देखोगे अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा गर्ल नेक्स्ट डोर हैप्पी एंड लाइक अपनी धुन की मस्त काइंड ऑफ लड़की का रोल मैंने प्ले किया है बट जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करेगी अनु का जो रोल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा लाइक फ्रॉम अ टीनेज गर्ल टू अ मैरिड वुमन बहुत सारे शेड्स हैं फिल्म में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की ही नहीं है एंड एज अनु आई हैव डन इन द फिल्म मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज लाइक एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद फिल्म में अनु के रोल में बहुत चेंजेस आते हैं एंड जनरली होता ये है कि एज एन एक्टर मैं अपने जो पिछले एक्सपीरियंस होते हैं थोड़ा उनसे सपोर्ट लेती हूँ फिर थोड़ा और रियलिटी में घुसती हूँ एंड दैट्स हाउ आई एक कैरेक्टर बनाती हूँ मैं कि ये कैरेक्टर है तो ये कैरेक्टर ये चीज़ें करेगा अनु के साथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो चीज़ें हुई हैं वो मेरे साथ रियलिटी में हुई नहीं है और ना ही मेरे आसपास में किसी के साथ हुई हैं तो मेरे साथ हुआ ये कि इंस्पिरेशन के लिए कोई सोर्स ही नहीं था और मुझे बहुत मुश्किल आई पर मैंने लोगों से बात की थोड़े कुछ वीडियोस देखे एंड मेरी जो डायरेक्टर है विजय लक्ष्मी वो बहुत मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की तो जो शेड्स हैं अनु के वो बहुत चैलेंजिंग थे ओके लव स्टोरीज हम यू नो बॉलीवुड में अनगिनत लव स्टोरी होती हैं एक साल के अंदर फिल्में आती हैं जाती हैं क्या खास होगा इस लव स्टोरी में और किस जोन में है फिल्म थ्रिलर है सस्पेंस है फिल्म थ्रिलर तो नहीं मैं बोलूँगी सस्पेंस में ही बोलूँगी बिकॉज एक सीक्रेट है जो जब बाहर आता है तो वो कैसे बर्बाद करती हैं चीज़ें तो सस्पेंस में बोलूँगी बट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे लोग लव स्टोरीज़ बनाते हैं एंड जैसे मैंने पहले आपको बोला कि मोस्टली या तो सैड एंडिंग हो जाती है या हैप्पी एंडिंग हो जाती है बट हर इंसान की अपनी एक अलग लव स्टोरी होती है एंड आई पर्सनली बिलीव कि एवरी लव स्टोरी इज़ डिफरेंट आप उसको कैसे प्रोजेक्ट करते हो आप लोगों को क्या बताना चाहते हो सो फ्रॉम अभी एंड अनु आई एम श्योर वी गोना रेज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू द सोसाइटी बहुत सारे ऐसे डिबेट भी हो सकती है बिकॉज बाकी तो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगी अभी मैं लेकिन ये लव स्टोरी बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अ रेगुलर लव स्टोरी Somewhere pointing out honor killing. No, not at all. No, honor killing. Honor killing. Yeah, shaadi hogi abhi kahe ki honor killing. It happened.
happens, you know. Even if there are cases in India where the couple got married and after some years. नहीं 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 ऐसा कोई honor killing नहीं है मतलब family का full support. Okay, किसी जैसे आपने कहा कि बहुत real stories से inspired है क्या वो लोग अभी हैं? They are very much alive, लेकिन उनके बारे में as such कोई इंटरनेट पे कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है. मतलब अगर आप जैसे जब मुझे रोल प्रिपेयर करना था तो मुझे कुछ मिला ही नहीं. मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पता था और मुझे उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं मिला, तो वो थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ. बट देन अगेन वी वर नॉट मेकिंग द बायोग्राफी ऑफ देम, उनकी कोई हम ऐसी कहानी उनके ऊपर नहीं बना रहे थे. तो फिर वो एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम था उनके लाइफ का वो हमने ले लिया एंड देन वी मेड आवर ओन कैरेक्टर. किन-किन लैंग्वेज में फिल्म आ रही है? ये मलयालम में भी आ रही है, तमिल में भी आ रही है और इंग्लिश में विद सबटाइटल्स आएगी. बिकॉज जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, हम ये फिल्म को सारे फेस्टिवल में भी भेजेंगे एंड आई एम श्योर हम लोग हिंदी में अपने बॉलीवुड में हमारी जितनी भी मीडिया है उनके लिए शो रखेंगे. ओके, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस? बॉलीवुड में कब दिखेंगी आप और किसी, यू नो, इज देयर एनीथिंग देयर इन द पाइपलाइन? मेरी अगर आपने मेरे बारे में कभी कुछ सर्च किया होगा तो आपको शायद पता होगा कि मेरी एक साल में कभी भी एक या दो फिल्मों से ज़्यादा रिलीज़ होती नहीं है. साउथ में भी हमेशा से ऐसा ही मैंने ट्रैक रखा हुआ है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई डोंट बिलीव मच कि बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है बिकॉज दैट्स नॉट इन माई हैंड. पर मैं जो भी फिल्में करूँ पर्सनली आई शुड बी प्राउड ऑफ इट. तो मुझे ऐसी फिल्में करनी है कि कम से कम मैं तो स्टैंड लूँ कि ये मेरी फिल्म है, चली नहीं चली इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो जो भी फिल्में मैं करना चाहती हूँ बेटर देन बिफोर. तो अभी लाल रंग आई, फिर मिर्ज़ा जूलियट आई, तो अब जो मुझे करना है वो मेरी इन दो फिल्मों से बेटर फिल्म करनी है. तो मुझे अभी अनु तब तक आ गई मेरे पास जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, तो करूँगी तो अच्छा ही करूँगी. और किसी रेस में नहीं हूँ कि अरे मुझे फिल्म अनाउंस करनी है और इतना टाइम हो गया. लाइक मिर्ज़ा जूलियट केम इन अप्रैल एंड दिस इज़ व्हाट, अगस्त, इतना टाइम तो लगता है. डेफिनेटली आई एम इन टॉक विद सो मैनी पीपल. मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि लाल रंग और मिर्ज़ा जूलियट के बाद से कोई लाइन वाइन लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. पर मैं ये भी नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लोगों ने अप्रोच ही नहीं किया. मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए पर ऐसा कुछ नहीं आया कि मुझे लगे कि यार अब ये वाला करना चाहिए मुझे. क्या क्या यू नो टू सर्वाइव इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या जरूरी है? व्हाट यू नो व्हाट एक्सपीरियंस through, you know, while working in Lal Rang and Mirza Juliet, kya lagta hai, kya, kahan, or do you agree that nepotism still exists? Of course it does. मतलब जो लोग बोलते हैं कि नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने या तो कभी फेस ही नहीं किया होगा. पर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. नेपोटिज्म का भी है. अगर आप एक फिल्मी फैमिली से हो तो आपको काम आसानी से मिल जाता है, मीटिंग आसानी से हो जाते हैं. फिर ये है कि आपकी खुद की लड़ाई है. मैंने ऐसे ऐसे भी एग्जांपल देखे हैं कि ऑडियंस ने आपको नकार ही दिया. आप उनको बिकॉज ऑडियंस को कोई लेना देना नहीं है, आप किसके बाप भाई बेटे हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट द सेम टाइम जो आउटसाइडर होते हैं लाइक जैसे मैं, तो मुझे अगर किसी से मिलना है तो यार मुझे कभी कभी महीनों लग जाते हैं, मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, मुझे लोग मिलते ही नहीं कभी कभी. बट अगर ये मेरे पीछे कोई अच्छा खासा सपोर्ट हो, कुछ बैकअप हो, कुछ फिल्मी फैमिली हो, तो मुझे इनसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये है कि थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा जल्दी और थोड़ा आसानी से मिल जाती है. और दुख वहाँ पर होता है जब एक कोई अच्छा रोल कैसे किसी ऐसे इंसान पर वेस्ट कर दिया जाता है कि पहले से ही पता था यार ये नहीं कर पाएंगे, देयर यू वेस्ट अ गुड रोल. तो वो वहाँ पर खलता है. नहीं तो पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई अपने घर वालों को काम दे रहा है, शुरू से चला रहा है, सदियों से चला रहा है, ये चीज़ थोड़ी अभी ज़रा पब्लिक के सामने उठ के आ गई बिकॉज कंगना ने ऐसा बोल दिया. नहीं तो लोगों में गट्स नहीं होते हैं बोलने के, लेकिन है तो ये कब से चली आ रही है. अरे मैं तो हर दिन ही फेस करती हूँ. मुझे तो मिलना होता है लोगों से, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है मुझे मीटिंग करने के लिए, वो मुझे ही पता है. तो वो होता ही रहता है, चलता रहता है. बट देन ठीक है, मैं आज इस मुकाम पे जहाँ अभी पहुँची हूँ, अपनी दम पे पहुँची हूँ, तो ये है कि जिस दिन द डे आई विल मेक इट, फिर उस दिन कोई वो चीज़ मुझसे छीन नहीं सकता. तो इट्स फाइन, आई एम ओके विद इट. मतलब जितना नेपोटिज्म जिसको करना है करो, मुझे जो करना है वो मैं कर ही रही हूँ, और जितना जो मेरी किस्मत में होगा वो कोई ले नहीं सकता. टोटली बिलीव इन दिस. The last one, censor board chief have been changed. Now we having President Joshi on board. Right. How happy you feel about, you know, what happened few days back, everyone is aware about it, you know. Okay, मैं see it's not about happy or sad. ना तो मैं प्रहलाद नलानी जी को पर्सनली जानती हूँ, ना मैं प्रसून जोशी को पर्सनली जानती हूँ. देयर आर यू नो थिंग्स व्हिच आर यू नो फोर्स्ड
on filmmaker to do it. Right. 48 cuts in the film, you know, and you're giving a certificate. Mm-hmm. And still there are 48 cuts. Now people are happy, you know, in the industry because Prasoon Joshi is a more sensible guy than compared to Mr. Pehlad Nilani. In terms of understanding cinema, I'm sure. And you are part of the Bollywood. I know what you're saying. But the thing is, चाहे वो प्रसून जोशी हो, चाहे वो पहलाज निलानी हो, चाहे इसके पहले जितने लोग आके गए हैं वो लोग हो, the problem is not with these people. इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं कि पहलाज निलानी was a very bad person और प्रसून जोशी भी ऐसे ही कुछ करने वाले हैं. It's not like that. Censor board में जहाँ तक मुझे पता है, we have a rule book. And every person who is in censor board, they have to follow the particular rules. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इन लोगों को टारगेट करें उससे पहले वो जो रूल बुक है उसे अपडेट करना चाहिए. आज भी उसमें जो रूल्स हैं बहुत पुराने ज़माने के लिखे हुए रूल्स हैं. आज हमारी ऑडियंस चेंज हो गई है, आज हम अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, बहुत सारी लिबर्टीज़ लेते हैं, आप बहुत सारे शब्द हैं जो आजकल लोग डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, पहले नहीं करते थे. तो पहले उनके लिए जो आज हमारे लिए नॉर्मल है वो नॉर्मल नहीं था. तो हुआ ये है कि हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बट आई जस्ट वंडर समटाइम कि कोई इस बात को लेके मुद्दा क्यों नहीं उठाता है कि वो जो सेंसर बोर्ड की जो रूल बुक है उसको अपडेट किया जाए. बिकॉज आई एम श्योर जितने लोग पहले आए हैं जिनको इस चीज़ की समझ थी वो 6-7 महीने में ही चले गए, और जो लंबा टिक गया वो बेचारा उसको सबकी सुननी पड़ी. इस तो बट द प्रॉब्लम इज नॉट विद द पीपल, द प्रॉब्लम इज विद दैट पर्टिकुलर रूल बुक. सो वी हैव टू अपडेट द रूल्स. थैंक यू सो मच. एक शॉट आएंगे तो हमें 2 मिनट बाहर चलना है. रुपेश